नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चंबल नदी पर ले जाने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आज हम आपको चंबल नदी की सैर कराएंगे और उस पर चलने वाले देहाती जहाज, जिसको यहाँ के लोकल लोग स्टीमर के नाम से जानते हैं और स्टीमर ही बोलते हैं, उसकी सैर भी कराएंगे। ये देहाती जहाज बिल्कुल ही निःशुल्क है तथा मध्य प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाता है तथा उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों को मध्य प्रदेश की ओर लाता है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों को पार कराता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चंबल नदी यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। तो हाँ दोस्तों, चलते हैं आगे के वीडियो में देखते हैं और चलते हैं हम मध्य प्रदेश के आखिरी गांव उसेत की तरफ, और वहीं से स्टार्ट होती है चंबल नदी। तो आज हम चंबल नदी देखेंगे और साथ ही साथ चंबल नदी पर तैरने वाले जो देहाती जहाज है उसकी सैर भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ तो दोस्तों, अभी हम अंबा शहर के पूट रोड चौराहे पर खड़े हैं और ये मेरे सामने है अंबा का प्रसिद्ध श्री टेकचंद जैन स्कूल। तो दोस्तों, आज हम यहीं से चंबल नदी की तरफ चलेंगे। तो अंबा को क्रॉस करते हुए अब हम चंबल नदी की तरफ जा रहे हैं। चंबल नदी पर एक देहाती जहाज तैरता है जो लोगों को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस करवाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चंबल नदी ही मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश को यहाँ पर अलग करती है। तो हम अंबा शहर से निकलते हुए अभी गुलाबपुरा गांव में पहुंच चुके हैं। वहां से निकलने के बाद इसी रोड पर एक सरसों के तेल का मिल बन रहा है। अब हम इसी रोड पर एक कस्बा है रछेड़, उसको क्रॉस कर चुके हैं। देखिए, ये सामने वीडियो में एक कस्बा है रछेड़। ये है रछेड़। फिर यहाँ से हम मध्य प्रदेश के सबसे आखिरी गांव में पहुँचेंगे और वो गांव है उसेत। उसेत मध्य प्रदेश का आखिरी गांव है और वहीं से चंबल नदी प्रारंभ हो जाती है। तो आपको इस वीडियो में बिना काट छाट किए, यानी वीडियो को बिना काटे, आज हम चंबल नदी दिखाएंगे तथा उस पर चलने वाले एक देहाती जहाज जो कि मध्य प्रदेश के लोगों को तथा उत्तर प्रदेश के लोगों को राज्यों की सीमा पार करवाता है। हाँ तो दोस्तों, देखिए ये चंबल का बीहड़ है। पुराने समय में यह चंबल का बीहड़
चोरों तथा डकैतों के लिए कुख्यात था तथा साथ ही साथ यह बागियों के लिए काफ़ी विख्यात भी था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यह क्षेत्र अपनी सरसों तथा गेहूं की फसलों के लिए काफ़ी विख्यात है और यहां से काफ़ी अच्छे अच्छे लोग बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो तथा अन्य क्षेत्रों में। यहां से ज़्यादातर युवा सेना में तथा पुलिस की भर्तियों में जा रहे हैं। तो ये देखिए चंबल का बीहड़। अभी बरसात का मौसम है इसलिए ये पूरा बीहड़ हरा भरा है। अब हम उसेत गांव में पहुंच चुके हैं जो कि मध्य प्रदेश का आखिरी गांव है। थोड़ी देर में हम बिल्कुल बॉर्डर पर यानी जो लास्ट गांव है मध्य प्रदेश का वहां पहुंच जाएंगे। उससे पहले ये देखिए रास्ते में पड़ता हुआ बीहड़, ये है चंबल का बीहड़। हाँ तो दोस्तों, पहले ज़माने में यानी पुराने समय में लोग यहाँ आने से काफ़ी डरते थे क्योंकि यह बागियों का गढ़ हुआ करता था। यानी एक तरह से यहाँ पर बागियों का साम्राज्य चलता था। चारों तरफ से एकदम सुनसान इलाका है। इस रोड पर अभी के समय कुछ वाहन ही दिखाई दे रहे हैं। अब हम मध्य प्रदेश के सबसे आखिरी गांव में पहुंच चुके हैं। यहां पर कीचड़ भी है थोड़ा सा। यह मुरैना जिले से अंबा तहसील लगभग 35 किलोमीटर तथा वहां से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर पूरा देखा जाए तो मुरैना जिले से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये सामने एक स्कूल बना हुआ है तथा पुलिस की चौकी है। ये है मध्य प्रदेश का आखिरी गांव उसेत। यहाँ पर कुछ क्रेन वगैरह भी रखी हुई हैं तथा ये कुछ बसें रखी हुई हैं जो लोग यूपी से इधर आते हैं तो ये इन बसों में बैठकर यहाँ से अंबा तहसील तक जाते हैं। अब हम आखिरी गांव में पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ से पैदल चलेंगे चंबल नदी की ओर। इस गांव से एक कच्चा सा रास्ता गया है चंबल नदी के लिए। तो रास्ते में सामने आप देख रहे हैं कि कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। यह एक सीमेंट का पुल बन रहा है यानी जो फ्लाईओवर होते हैं, पक्के पुल होते हैं, वैसा ही एक पुल यहाँ पर बन रहा है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के लोग काफ़ी समय से इस पुल का इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी वृद्ध लोग तो इसी आशा में बैठे हुए हैं कि यह पुल का निर्माण कब होगा।
क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश पनाहट जाने के लिए काफ़ी दिक्कत पड़ती है। देखते हैं आगे कि लोग कैसे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं तथा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं। तो देखिए, चंबल नदी का रेत प्रारंभ हो चुका है। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ चंबल नदी का पूरा दृश्य। अब चलते हैं चंबल नदी की तरफ। यहाँ पर कुछ वाहन भी आप देख रहे हैं जो आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पानी का जहाज है वही इस नदी को पार करवाता है तथा जो लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं उनको ये वाहन लेके अंबा तक जाते हैं। कुछ लोग अपनी बाइक्स तथा अन्य साधनों से आए हुए हैं, यानी इनके कुछ रिश्तेदार या परिजन जो उत्तर प्रदेश से आते हैं आए हुए हैं उनको लेने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। देखिए, चंबल नदी का रेत है काफ़ी, मौसम अभी काफ़ी ठंडा है, इसलिए नहीं तो अगर धूप होती तो इसमें काफ़ी परेशानी पड़ती है। यही वो चंबल नदी का रेत है जिसमें घड़ियाल मादाएं अंडे देती हैं, इसलिए इस नदी के रेत के उत्खनन पर रोक लगाई हुई है। फिर भी तस्करी तो लोग छुपकर करते ही रहते हैं। अब हम चलते हैं चंबल नदी की तरफ। वहां से देखने पर लग रहा था कि नदी बिल्कुल पास है, लेकिन चलने पर पता चल रहा है कि काफी दूर है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। आपको इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है। यह चंबल नदी देखिए, यह चंबल नदी अपने स्वच्छ जल के लिए जानी पहचानी जाती है। इस नदी का पानी काफी स्वच्छ होता है। अब हम लगभग पहुंच ही गए नदी पर। देखिए, हाँ तो दोस्तों, हम आ चुके हैं नदी पर। हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसमें अंदर घुस जाता हूँ। बहुत तेज बहाव है नदी का, काफी बहाव के साथ बह रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही इस चंबल नदी में बाढ़ आई थी। देखिए, एकदम मैं कॉर्नर पे यानी किनारे पे खड़ा हूँ, वहां पर भी देखिए कितनी तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है। अभी मुझे यहाँ पर जो पानी का जहाज है, यानी जो जिसे लोग यहाँ पर स्टीमर कहते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है वो दूसरी तरफ है। हाँ तो दोस्तों, जब वो जहाज आएगा तब हम उसकी सैर करेंगे तथा उसका पूरा वीडियो आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, चंबल नदी के पानी में कितना बहाव है, कितनी तेजी से, बिल्कुल किनारे पर भी इतनी तेजी से बह रही है, तो यह भी अपनी धार में कितनी तेज बह रही होगी। तो देखिए कितना सुहावना दृश्य है। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि स्टीमर उधर से आएगा, तब ये लोग बैठेंगे और
इस नदी को पार करेंगे। हाँ तो दोस्तों, मुझे इसमें दिख रहा है सामने से वो स्टीमर उत्तर प्रदेश की तरफ से इधर आने लगा है। मैं अभी मध्य प्रदेश की सीमा में खड़ा हूँ और सामने नदी को पार करने के बाद वो उत्तर प्रदेश है। मैं अभी मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले की अंबा तहसील में खड़ा हूँ तथा उधर आगरा ज़िले का पिनाहट क्षेत्र है, यानी पिनाहट एक बाजार है जो कि आगरा तहसील में पड़ता है। देखिए सामने से ये स्टीमर आ रहा है और लोग कैसे तैयार होने लगे हैं, कुछ तो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं किनारे पर। देखिए, ओ माय गॉड, एक छोटा सा जहाज कितनी सवारियों को लेके आ रहा है। देखिए सामने एक झंडा लगा हुआ है जहाज पर, ये जहाज आ चुका है। देखिए, चलो चलते हैं, आ चुका है, इसमें से सवारियां उतर रही हैं। देखते हैं, देखो ये पट्टा, लकड़ी का पट्टा टाइप का होता है, उसको ये रख रहे हैं जहाज से, नीचे की तरफ ढलान बना रहे हैं जिससे कि लोग आसानी से इसमें इससे उतर सकें और इस पे चढ़ सकें। तो देखिए लोग, ये एकदम किनारे तक नहीं आया है, चूँकि इधर रेत है तो एकदम किनारे तक नहीं आ पाता है, तो लोग पानी में, थोड़ा सा पानी है उसी में से होके आ रहे हैं। देखिए लोग उतर रहे हैं अभी, मुझे लगता है कि सारे लोग एक साइड में खड़े हो गए हैं इस वजह से ये जहाज झुक गया है एक तरफ। ये उतरते हुए काफी लोग, देखिए काफी वृद्ध जनों को काफी परेशानी होती है। जब ये सारे लोग उतर आएंगे फिर हम भी इस जहाज पे जाएंगे तथा इसकी सैर करेंगे। हम इधर से उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तथा फिर वहां से लौट कर आएंगे। उसका पूरा वीडियो बिना काटते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप बने रहिए। देखिए अब लोग इधर से जा रहे हैं जहाज पर चढ़ने के लिए, लोगों ने अपने जूते चप्पल वगैरह हाथों में ले लिए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों, काफ़ी लोगों की मान्यता यह होती है कि नाव या पानी के जहाज में जूते वगैरह पहन के नहीं चढ़ा जाता, और साथ ही साथ यह सावधानी भी बरती जाती है कि कहीं चप्पलों तथा जूतों के साथ वो उस पट्टे पर चढ़ते हुए पैर ना फिसल जाए, इसलिए भी ये लोग अपने जूतों को हाथों में लेके इस जहाज पर चढ़ते हैं। तो देखिए लोग अभी जहाज पर चढ़ रहे हैं। बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि थोड़ा सा भी अगर पैर फिसला तो दुर्घटना हो सकती है। तो देखो दोस्तों, मैं भी अब इस जहाज के ऊपर आ गया हूँ, थोड़ा से इस जहाज को देख लेते हैं। इस पर बैठने के लिए कोई भी सीट वगैरह की सुविधा नहीं है, यहाँ इस जहाज का जो फर्श है उसी पर लोग बैठते हैं। इस जहाज को यहाँ के लोग स्टीमर कहते हैं। ये इस जहाज की स्टीयरिंग है, देखिए ये जो हैंडल लगा हुआ है इसी से इस जहाज को इधर उधर मोड़ा जाता है, और इसके अंदर एक इंजन लगा हुआ है, दो इंजन लगे हुए हैं इसके अंदर जो कि डीजल से चलते हैं। फिर तो ये जहाज एक मोटर बोट की तरह है। अगर स्टीमर, पहले जमाने में जो जहाज चलते थे उनको स्टीमर कहते थे क्योंकि वो भाप से चलते थे, लेकिन यह स्टीमर नहीं है, यह एक
मोटर बोट है। देखिए काफी लोग इस पे चढ़ चुके हैं। देखिए वो कितने सारे लोग इसके ऊपर आ चुके हैं। अभी ये यहाँ से इन्होंने जो पटा रखा था नीचे उसको वापस से जहाज के ऊपर रख दिया है, तथा इस जहाज का ये जो सामने लंगर डला था इसका, अब वो उस लंगर को हटा रहे हैं। जहाज को किनारे लगाते वक्त इस लंगर को गाड़ दिया जाता है कि जिससे कि नदी के बहाव में ये जहाज बह न जाए। उन्होंने लंगर हटा दिया है। और इस जहाज का संचालन कोई सरकारी वर्ग के लोग नहीं, बल्कि यहीं के जो मलाह हैं वही करते हैं। यानी यहाँ के जो लोकल मलाह हैं, जो नाव चलाने वाले लोग होते हैं, वही करते हैं। एक बात और बता दूं, यह जहाज बिल्कुल निःशुल्क है। एक रुपए भी इसके लिए हमसे नहीं लिया गया है। अब ये जहाज चलने लगा है। देखिए ये नदी के पानी को चीरता हुआ मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है। देखिए कितनी तेज धार में जो चंबल नदी बह रही है उसकी धार को चीरता हुआ ये जहाज बढ़ रहा है आगे उत्तर प्रदेश की ओर। जब पानी ज्यादा हो जाता है तब इस जहाज का संचालन करते हैं नदी में, नहीं तो यहाँ पर एक पीपों का पुल रहता है। देखिए दोस्तों, अभी हम इस समय नदी के बीच धार में चल रहे हैं और धार लहरें बहुत तेजी से चल रही हैं पानी की। देखिए कैसे ये जहाज इन काफी तेज धार को चीरता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। मैं जहाज के अभी एकदम सामने वाले हिस्से में हूं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, यह है मध्य प्रदेश का उसैद घाट तथा उत्तर प्रदेश का पिनाट घाट। अभी हम मध्य प्रदेश के उसैद घाट से उत्तर प्रदेश के पिनाट घाट की तरफ जा रहे हैं। ये महोदय इसका संचालन करते हैं। यह जहाज सरकार की तरफ से बिल्कुल निशुल्क चलाया जा रहा है। यह जहाज बिल्कुल निशुल्क चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, तथा यात्रियों से एक भी रुपए नहीं लिया जाता। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और बिल्कुल फ्री में इसकी सैर कर सकते हैं। अब हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। अब हम चंबल नदी के किनारे पर, जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ है, ये जहाज वहाँ पर पहुँचने ही वाला है। बस ये जहाज बिल्कुल किनारे पर आ चुका है और ये देखिए इसका सामने वाला हिस्सा है और ये किनारे से बिल्कुल टकरा और ये टकरा गया बिल्कुल टकरा गया है हाँ और ये देखिए बिल्कुल ही टकरा गया है। और टकराते ही ये जहाज बिल्कुल लग गया है किनारे से। तो देखिए लोग यहाँ से कितनी हड़बड़ी में, कितनी जल्दी में निकल रहे हैं। अपनी सुरक्षा का ध्यान न रखते हुए एकदम से कूद रहे हैं। और देखिए इन्होंने इस जहाज को बांध दिया है, यानी एक तरह का लंगर डाल दिया है जिससे कि ये जहाज पानी के तेज बहाव में बहे ना। देखिए लोग इस जहाज से उतरते हुए
वापस। चलो चलते हैं, देखते हैं इस जहाज के बारे में थोड़ा सा। यही यहाँ के लोग हैं जो इस जहाज का संचालन करते हैं तथा यह जहाज सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क चलाया जाता है। ये इसकी स्टीयरिंग है इस जहाज की, और ये नीचे आप देख रहे हैं ये इसी स्टीयरिंग से जुड़ा हुआ है। इसी से जहाज को मोड़ा जाता है इधर से उधर। लगभग सभी लोग उतर चुके हैं। जब हमने इनसे वापस जाने के बारे में पूछा कि यह इधर से वापस कब जाएगा, तो ये जो इस जहाज को चलाते हैं उन्होंने कहा कि अब हमारा खाना खाने का समय हो गया है, लगभग एक घंटे बाद अब हम इधर से जाएंगे। वैसे यह जहाज हर 20 या 25 मिनट में इधर से उधर जाता है, लेकिन अब इनके खाने का समय हो गया है, खाना खाने का समय हो गया है, तो एक घंटे बाद ये लोग इधर से इस जहाज को ले जाएंगे। तब तक हम लोग इधर, अब हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ जो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले के पिनाहट शहर का इलाका है। देखिए हम आ चुके हैं इधर। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूँ कि चम्बल नदी से एक नहर जाती है जो उत्तर प्रदेश के काफ़ी क्षेत्र की सिंचाई करती है, तो उस नहर को यहीं से लिफ्ट किया जाता है। चलिए मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए सामने बड़े बड़े पाइप हैं, यहीं से इस पानी को लिफ्ट किया जाता है तथा नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के काफ़ी क्षेत्र को सिंचित करने के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हैं इन पाइपों के से उधर जो ब्लू नीले कलर के जो पाइप हैं उनसे पानी लिफ्ट हो रहा है, तथा उसके उधर ये जो जहाज जा रहा है, अब ये लोग अब खाना खाने के लिए उस पुल पर जा रहे हैं जो कि आप देख रहे हैं। चम्बल नदी के बिल्कुल किनारे एक पुल रखा हुआ है, उसकी तरफ ये जहाज जा रहा है, क्योंकि इनका जो भोजन है वो इसी पुल पर रखा हुआ है, तो वहीं पर ये लोग भोजन करेंगे तथा भोजन करने के बाद वापस आएंगे, फिर हमको इधर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ ले जाएंगे। जब पानी कम हो जाता है तब इस चम्बल नदी पर तैरता हुआ एक पीपों का पुल बनता है, उसी पैसे लोग नदी पार करते हैं। लोग ही नहीं, काफ़ी वाहन भी उसी पैसे निकलते हैं। जब ये पुल बन जाएगा तो अगले वीडियो में हम आपको उस पुल को भी ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं थोड़ा यहाँ पर बैठ जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ जब तक वो लोग खाना खा के वापस आते हैं। हाँ तो दोस्तों अब मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि जब इस चम्बल नदी में बाढ़ आई थी तो पानी यहाँ से मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ से भी काफ़ी ऊपर तक पहुँच गया था। मिट्टी के कटाव को देखकर आप जान ही सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तेज़ धार रही होगी। देखिए ये है चम्बल का बीहड़, पेड़ों की जड़ें लगभग उखड़ ही गई हैं। तो दोस्तों वो खाना खा के अब वो लोग वापस आ चुके हैं। अब चलते हैं वापस हम उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ।
देखिए लोग कितनी तेजी से, कितनी सारी भीड़ हो गई है। मुझे नहीं लगता है इतनी सारी भीड़ इस जहाज पर बन पाएगी। देखिए काफी लोग चढ़ गए हैं, मैं भी अब इस पर आ गया हूँ। इस पर लोग आते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम उधर से मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ आए थे तो इससे लगभग आधे से भी कम भीड़ थी। अब तो इस पर लगभग देख सकते हो कितनी भीड़ है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि ये जहाज भगवान भरोसे ही पार लगा पाएगा, क्योंकि चंबल की धार बहुत तेज है। और भीड़ बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ये जहाज काफ़ी ओवरलोडेड हो चुका है। देखिए कितने लोग इसमें भर चुके हैं, एक दूसरे से सटे हुए लोग हैं। और यहाँ से ये देखिए चंबल का सुहावना दृश्य, अपने तेज बहाव के साथ बहती हुई चंबल नदी। और इस जहाज पर बैठे कहूँ या खड़े कहूँ मैं समझ नहीं आ रहा है, काफी लोग इस जहाज पर आ चुके हैं जो खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यह जहाज कब चालू हो और कब चलना प्रारंभ करे और हमको किनारे तक पहुंचाए। मुझे लगता है कि जहाज किनारे के कीचड़ में ओवरलोड होने की वजह से फंस चुका है, इसलिए वो यहाँ से काफी धक्का भी दे रहे हैं लोग, जिससे कि ये जहाज पूर्ण रूप से पानी में आ जाए तथा चलना प्रारंभ कर दे। ये देखिए तेज बहाव के साथ बहती हुई चंबल नदी। अब लगभग कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है। अब बिल्कुल चलने की तैयारी में है। और इस बार जब हम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ आए थे तो जहाज के बिल्कुल सामने खड़े थे। अब हम जहाज के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। ये देखिए जहाज की स्टीयरिंग है, जैसा कि मैंने बताया था। अब जहाज बिल्कुल चलने की तैयारी में है। और देखिए ये चालू हो चुका है जहाज। देखिए पानी कैसे उछल रहा है, पीछे की तरफ पानी को धकेलते हुए ये जहाज अब चालू हो चुका है तथा आगे बढ़ रहा है। हाँ तो दोस्तों देखिए कैसे ये जहाज आगे बढ़ने लगा है, तथा मैंने बताया था कि दो इंजन लगे हुए हैं इस जहाज में, उन्हीं की मदद से यह जहाज अब आगे बढ़ रहा है। तथा देखिए कैसे पानी को चीरता हुआ, देखिए पानी को किस तरीके से जो चीरता हुआ जहाज आगे बढ़ रहा है। और मुझे लग रहा था कि यह जहाज ओवरलोड हो चुका है, चल नहीं पाएगा, लेकिन ये बिल्कुल जिस तरीके से चलता था उसी तरीके से चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया दृश्य है। देखिए क्या ये शंकर जी का मंदिर है, छोटा सा जो लगभग डूबा हुआ है, बस थोड़ा सा ही उसका गुंबद है वो दिखाई दे रहा है। और ये नहर है जो उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है। देखिए कितने तेज गति से पानी को चीरता हुआ, कितना तेज बहाव उसको चीरता हुआ। अब ये स्टीमर, मैं अब इसको स्टीमर बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ के लोग इसे स्टीमर ही कहते हैं और ये स्टीमर के नाम से ही जाना जाता है। देखिए दोस्तों अब हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ। देखिए ये अभी भयंकर तेज चंबल नदी की तेज धार में ये चल रहा है जहाज, तथा पानी को किस तरीके से चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। काफी मात्रा में धुआं भी फेंक रहा है।
देखिए, यह है चंबल नदी। यह चंबल नदी का तेज बहाव तथा उस बहाव को चीरता हुआ ये चंबल का देहाती जहाज। और इस जहाज पर लोड भी काफी ज्यादा है, क्योंकि काफी मात्रा में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है और इसलिए खचाखच भरा हुआ है लोगों से। देखिए, बड़ी ही आसानी से यह जहाज चंबल नदी के तेज बहाव को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। देखिए, हाँ तो दोस्तों, अभी हम बीच बहाव में पहुंच पाए, यानी नदी के बीच धार में पहुंचे हैं। ये सामने पीपों का पुल रखा हुआ है किनारे से। जब पानी कम हो जाता है तब चंबल नदी के ऊपर तैरता हुआ शानदार पीपों का पुल यहाँ पर बनाया जाता है। अगले वीडियो में जब ये पुल बन जाएगा तब हम आपको इसका वीडियो भी बताएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिए तथा हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि चंबल से जुड़े हुए जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं या अच्छी अच्छी जगह हैं उनकी वीडियोस आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, तो अभी हम उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ चंबल के देहाती जहाज से जा रहे हैं। और यह मैंने पहले भी बताया था, अब फिर से बता रहा हूँ कि बिल्कुल ही निशुल्क है, यानी इसमें कोई भी एक रुपए भी हमसे नहीं लिया गया है। हम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ आए थे तब भी, और हम उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हैं तब भी एक रुपए नहीं लिया गया है। यह मुरैना जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर तथा आगरा के पिनाहट से लगभग 1 किलोमीटर दूर है तथा और आगरा के फतेहाबाद से लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, चंबल नदी को चीरता हुआ यानी उसकी धार को चीरता हुआ यह जहाज अब किनारे की तरफ पहुंचने वाला है। चंबल नदी का ये सुहाना दृश्य आपके सामने। अब ये जहाज लगभग किनारे पर पहुंच चुका है। देखिए, तो अब हम लगभग किनारे पर पहुंचने वाले हैं। ये चंबल नदी का शानदार दृश्य। और उधर किनारे पर पहुंचने से पहले ही लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है। कुछ लोग अपने परिजनों को तथा रिश्तेदारों को लेने के लिए आए हैं तथा कुछ इंतजार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की तरफ से यह जहाज कब इस मध्य प्रदेश के किनारे पर आए और इसमें बैठकर वो इस चंबल नदी को पार करें। हाँ तो दोस्तों, अब ये जहाज किनारे पर पहुंच गया है। इधर उतरने के लिए पटा की जरूरत होती है, क्योंकि चंबल नदी के एक तरफ रेत होता है तो दूसरी तरफ पहाड़ी होती है। तो पहाड़ी की तरफ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जहाज बिल्कुल किनारे से लग जाता है और रेत की तरफ थोड़ा पानी में ही रह जाता है। इसलिए यहाँ पर एक ये लोग पटा, एक लकड़ी का जो पटा टाइप का होता है उसको डाल देते हैं, उसी पर से लोग इस जहाज से उतरते हैं तथा इस पर चढ़ते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, अब लोग यहाँ से उतरने लगे हैं।
देखिए चंबल नदी का सुहाना दृश्य है। अब मैं भी इस जहाज से उतरने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए मैं उतर आया हूँ। देखिए इस जहाज में कितने लोग बैठकर आए थे, आप देख सकते हैं कितने लोग बैठकर आए थे इस एक जहाज में, बैठकर या खड़े होकर आए थे, क्योंकि वहाँ पर तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और यह जहाज हमको बड़ी सरलता से किनारे पर ले आया। सच बता रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी आनंद आया आज के इस सफ़र में, इस जहाज के शेयर करने में काफ़ी आनंद आया और काफ़ी अच्छा लगा। देखिए ये है, देखो कितने सारे लोग इसमें बैठकर आए थे। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि चंबल से जुड़े जितने भी वीडियो हैं और चंबल के जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उसकी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके वीडियो। हाँ तो दोस्तों आज हमने चंबल नदी देखी तथा उस पर तैरने वाला देहाती जहाज़ देखा और उसकी सैर भी की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि चंबल से जुड़े हुए जितने भी वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।